Hello everyone, welcome to this class. In this class, I am going to teach you the easy way of writing chemical formulas. Okay, within a very short period of times, you can write very effectively the chemical formulas. So without delaying, let's start the class. Class start karte hain. Okay, so is class mein hum aapko batayenge ki इजी तरीके से हम कैसे केमिकल फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूलाज को लिखने के लिए, देखिए केमिकल फॉर्मूलाज को लिखने के लिए हमको दो तीन चीज की जरूरत होती है। एक तो पहले तो बैलेंसी, हमको बैलेंसी जानना जरूरी होता है, और अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयंस है तो उसको हमको ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। तो बैलेंसी क्या होता है? बैलेंसी कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वो कितना एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी। तो वैलेंसी को जानने के बाद ही हम केमिकल फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं, कोई भी चीज का केमिकल फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम वैलेंसी को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जो वैलेंसी जो होगा उसको क्रॉस करेंगे। अगर दो एलिमेंट होंगे या दो भी कोई भी आयंस होंगे उसके बीच में हम वैलेंसी को क्रॉस कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे फॉर्मूलाज को लिखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। और एक और बड़ी चीज है जो कि जब भी आपको कोई एलिमेंट कंपाउंड का नाम आपको नजर आए तो आप उसमें पहले पता करने की कोशिश करिए कि क्या क्या चीज से बना हुआ है। हाइड्रोजन क्लोराइड बोला है तो दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से। ओके, हाइड्रोजन और क्लोरीन से दो एलिमेंट से बना हुआ है, तो उसी तरह उसको हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन को अलग करके लिखेंगे और क्लोरीन को अलग करके लिखेंगे पहले, सबसे पहले। उसके बाद उसके नीचे में, हाइड्रोजन के नीचे में हाइड्रोजन का वैलेंसी, हाइड्रोजन का बैलेंसी कितना है, वन है, याद कर दीजिए इसको। और क्लोरीन का बैलेंसी वन है, क्लोरीन का भी बैलेंसी कितना है, वन है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्टेट को फिलअप करने के लिए। तो मैंने अभी बताया था कि कितना देता है या कितना लेता है, तो उस तरह से हाइड्रोजन एक देता है उसका बैलेंसी वन हो गया, क्लोरीन एक लेता है उसका भी बैलेंसी क्या हो गया, वन हो गया। अब इसको बैलेंसी को क्रॉसिंग करना है, ठीक है। ये क्लोरीन का बैलेंसी को हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे और हाइड्रोजन के वैलेंसी को क्लोरीन के साथ में लिखेंगे, तो दोनों का वन वन हो गया। जब वन वन होता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, HCl कर दिया इसको, ठीक है, HCl। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें भी हमको पहले पता करना है कि क्या क्या एलिमेंट से बना हुआ है। एक तो हाइड्रोजन है, एक क्या है, सल्फर है। एक क्या है, हाइड्रोजन है, एक सल्फर है। तो हाइड्रोजन को इस तरह से लिखा, उसके नीचे में हाइड्रोजन के नीचे में उसका वैलेंसी को लिखना है। हाइड्रोजन का वैलेंसी वन है और सल्फर का वैलेंसी कितना है, टू है। ओके, सल्फर का वैलेंसी कितना है, टू है। अगर हम बात करेंगे सल्फर का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। ओके, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2, 8 एंड 6। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गया, टू। मतलब पहले मैंने बताया किसको कितना चाहिए, मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को सेल को फिलअप करने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसका बैलेंसी कितना हो गया, टू हो गया। अब इसको बैलेंसी को क्रॉसिंग कर देंगे, इसके बैलेंसी को ऐसा क्रॉसिंग, इसका बैलेंसी को ऐसा क्रॉसिंग, तो हमारे पास क्या बन गया, H2S। ये है सेकेंड हाइड्रोजन सल्फाइड का। फिर दूसरा हम देखेंगे मैग्नेशियम क्लोराइड का, क्या देखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें भी पता चल रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते ही हमारे पास में दो एलिमेंट दिख रहे हैं, एक तो मैग्नीशियम, एक क्या है, क्लोरीन। ओके, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 12 होने से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाता है आपका 2, 8, ये 10 हो गया, 2, 8, 10 हो गया और इधर में 2, तो इसके पास दो है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, तो इसके लिए इसका बैलेंसी कितना हो गया, टू हो गया। इस तरह से क्लोरीन का तो हमने पहले देख लिया, उसका क्लोरीन का कितना है, वन। ओके, क्लोरीन का बैलेंसी कितना है, वन। अब इसको क्रॉसिंग कर देंगे, वन Mg के साथ चला गया, 2 Cl के साथ चला गया, तो इसका फॉर्मूला बन गया MgCl2। ओके, वेरी सिंपल। उस तरह से इस पे जाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब पहले तो यहाँ पे क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड जब भी बोला गया इसका मतलब क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या बोला है, कार्बन, इसका मतलब कार्बन, और एक वर्ड यहाँ पे और आया टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है चार, टेट्रा का मतलब क्या होता है, फोर, ठीक है। तो अब फिर कार्बन हमने लिखा, कार्बन का वैलेंसी कितना है, फोर है, कार्बन की वैलेंसी कितना है, फोर है, और इसका क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, वन है। अब इसका वैलेंसी को क्रॉसिंग कर दिया हमने,
क्लोरीन के वैलेंसी को कार्बन के साथ लिखेंगे और कार्बन के वैलेंसी को क्लोरीन के साथ लिखेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है CaCl4, ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, ये था दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल पे जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में हमको क्या किसका फॉर्मूला लिखना है, तीसरा एग्जाम्पल में हमको फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड का। ओके, हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में हमको पता चल रहा है एक तो कैल्शियम है एक ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम को हमने लिख दिया और ऑक्सीजन को भी लिख दिया। उसके नीचे में हमने क्या किया, उसका वैलेंसी को लिखा, इसके नीचे में ऑक्सीजन का वैलेंसी को लिखा। कैल्शियम का वैलेंसी भी 2 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है, तो क्रॉसिंग करा दिया। क्रॉसिंग कराने के बाद क्या हुआ, अब देखते हैं क्रॉसिंग कराने के बाद क्या हुआ। क्रॉसिंग कराने के बाद Ca2O2, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, Ca2O2, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ओके, तो जब भी सेम सेम नंबर हो जाता है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको कैंसल आउट करके CaO कर दिए। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी हमको पता चल रहा है दो एलिमेंट है, एक तो एल्युमिनियम है एक क्या है ऑक्सीजन है, तो एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन, उस तरह से उसका वैलेंसी हमने लिखा है, एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी। अब इसको क्रॉसिंग करा दिया, इस तरह से क्रॉसिंग करा दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर दूसरा पे जाते हैं हम, दूसरा हमारे पास क्या है, सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है NO3 को हम नाइट्रेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, और एक कंपाउंड होता है नाइट्रिक, NO2 जब आएगा NO2 तो उसको हम नाइट्रेट बोलते हैं, और ये क्या है, नाइट्रेट है। तो जब भी इसका फॉर्मूला लिखना होगा, सोडियम यहाँ लिख दिया, नाइट्रेट यहाँ लिख दिया, सोडियम का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का वैलेंसी कितना 1। अब दोनों का वैलेंसी को क्रॉसिंग करा दिया, दैट मीन्स सोडियम का वैलेंसी इसके पीछे लिखना है, इसका वैलेंसी इसके पीछे लिखना है, लेकिन दोनों में 1-1 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और इसका फॉर्मूला बना NaNO3। ठीक है, उस तरह से हम दूसरा कंपाउंड में जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी हमको क्या क्या दिख रहा है, एक तो कैल्शियम है एक हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड होता है OH2 को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, कंफ्यूज नहीं करेंगे, OH2 को होता है हाइड्रोक्साइड, एक साथ में जब एक साथ में OH आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, उस तरह से कैल्शियम का वैलेंसी हमने देखा ऊपर में, उसका वैलेंसी कितना था 2 था। ओके, और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 है। अब इसको क्रॉसिंग करा देंगे, इसको क्रॉसिंग कराया, इसको क्रॉसिंग कराया, तो हमारे पास क्या बन जाता है फॉर्मूला, Ca(OH)2। तो उसमें हमने प्रीवियस उसमें देखा कि जब भी बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं तो उसको हमको ब्रेकेट में रखना होता है, पोली एटोमिक आयन्स, इट इज कॉल्ड द पोली एटोमिक आयन, तो ब्रेकेट में रखा हमने, इसलिए इसको 2, ये 2 जो है दोनों को ब्रेकेट में डाल के उसके पीछे में देना है 2। फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में है कौन सा, कैल्शियम। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में भी सॉरी नॉट द कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में सोडियम और कार्बोनेट है, कार्बोनेट ये इसको पूरा का हम कार्बोनेट बोलते हैं। ओके, सोडियम ही हो गया, सोडियम का वैलेंसी 1 और कार्बोनेट का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का वैलेंसी 2। जब इसको हम क्रॉसिंग कर देंगे, इसको यहाँ पे क्रॉसिंग कर देंगे, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। ये 2 इधर Na के पास चला गया, ये 1 इसके पीछे चला गया, 1 को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, 1 को इसके पीछे में नहीं लिख रहे, ठीक है ना। उस तरह से हमारे पास में क्या है, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट है। तो एमोनियम पहले, सबसे पहले तो एमोनियम का फॉर्मूला लिखना है। ओके, एमोनियम NH4 होता है, और अगर आएगा एमोनिया तो NH3 होता है, ठीक है ना। तो ये एमोनियम है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, एमोनिया नहीं है, ये एमोनियम है। तो एमोनियम होता है NH4 और सल्फेट होता है SO4। तो एमोनियम का वैलेंसी 1 है और सल्फेट का वैलेंसी कितना है 2 है। फिर इसको हमने क्रॉसिंग करा दिया, क्रॉसिंग कराने के बाद क्या हुआ, ओके, ये तो क्या है, पोलीएटॉमिक आयन्स है, पोलीएटम है, तो इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में रख दिया और बाहर में 2 लिखा और SO4, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। ओके, होप आपको ये समझ में आया कि ये केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने रखा है, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस तरह का वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा आपके स्टडी को इजी करने के लिए। थैंक यू।